गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग और बताइए कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं तो फ्रेंड्स सुबह के जो है लगभग सात बज रहे हैं और बाबू स्कूल चली गई है आज ना मैं उठने में, में काफ़ी लेट हो गई थी असल में जैसे कि आपको बताया था कि हस्बैंड जो है लखनऊ गए हुए थे तो नाइट में हस्बैंड काफ़ी लेट लौट कर आए थे सवा दो बजे जो है हस्बैंड आए थे तो वही है ना जब नींद पूरी नहीं हो पाती है सही से तो फिर सुबह जो है जल्दी से आँख भी नहीं खुल पाती है तो बस बाबू के टिफ़िन के लिए मैंने मैगी बना दी थी क्योंकि और मेरे पास टाइम नहीं था कुछ इतना बनाने के लिए तो बाबू स्कूल चली गई उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के अपना जो है गुनगुना पानी पिया क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने वो भी नहीं पिया था और थोड़ा सा बाहर बैठ जाते हैं ना तो मूड भी एकदम फ़्रेश हो जाता है उसके बाद मैंने दीदी के लिए चाय बनाई तो उनके लिए चाय बिस्किट नमकीन वगैरह ले आई हूँ दीदी ब्रश वगैरह करके जो है आ गई थी तो उनको मैंने चाय दे दी है और बस मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी खाने में मैं बनाऊँगी आलू सेम की सब्ज़ी तो बस सेम तो जो है मैंने नाइट में ही रख दी थी रेडी करके बस आलू जो है वो मैं छील के काट लूँगी और यहाँ पर देखिए मेरे पास ना एक कमेंट सबसे ज़्यादा जो है आता है जब कोई गेस्ट मेरे घर पर आते हैं ना तो एक कमेंट सबसे ज़्यादा आता है कि दीदी आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती कैसे आप एडजस्ट करते हो कहाँ पर जो है आपके जो गेस्ट होते हैं वो सोते हैं जब भी कोई आता है ये जो है एक कमेंट है जो ज़रूर आता है और अभी भी दीदी आई हुई है ना तो कई बार जो है ये कमेंट आया कि आपकी ननंद आई हुई हैं तो वो कहाँ सोती हैं तो देखिए अभी आपको सामने दिख रहा होगा कि एक फोल्डिंग बिछी हुई है जिस पर जो है हस्बैंड सो रहे हैं तो ऐसे ही जब भी कोई आता है ना एक या दो लोग आते हैं तो इस तरह से हम लोग बेड के बगल में जो है फोल्डिंग बिछा लेते हैं तो उस पर जो है एडजस्ट हो जाता है हम कुछ बेड पे और कुछ फोल्डिंग पे और अगर और जो है एक आधी एक्स्ट्रा आ जाता है तो बेड के जो इधर जो जगह है ना यहाँ पे एक छोटा सा जो है खाट खटोला वगैरह कुछ भी आप समझ लीजिए बिछ जाता है फोल्डिंग को थोड़ा नीचे कर देते हैं गेट की तरफ तो यहाँ पर ये यह जो जगह है ना ये हो जाती है और यहाँ पर एक छोटी सी जो खाट होती है वो बिछ जाती है क्योंकि बगल में अंटी हैं उनसे हम ले लेते हैं तो इस तरह से ये दो फोल्डिंग जो है खाट बिछ जाती हैं रूम में दिक्कत नहीं होती है स्पेशली uh, शमल में जो है थोड़ी परेशानी होती है इस तरह से जो है सारी जो भी होती हैं हमें रूम में ही बिछानी होती हैं क्योंकि देखिए सबको हवा की ज़रूरत है सबको कूलर पंखा चाहिए बट अगर सर्दियां होती हैं ना तो सर्दियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है uh, कहीं पर भी जो है बिछा दीजिए एक फोल्डिंग यहाँ रूम में बिछ जाती है और एक फोल्डिंग बहुत ही आराम से जो है किचन में हम बिछा लेते हैं तो किचन में जो है सर्दियों में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि पंखा या फ़ैन की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है स्पेशली आपने देखा भी होगा मेरे घर कोई भी गेस्ट वगैरह मेरे भैया भाभी वगैरह आते हैं ना तो ज़्यादातर सर्दियों में ही आते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एक तो सर्दियों में घूमने फिरने में भी अच्छा लगता है कोई इंसान आता है तो इसी पर्पज से आता है कि थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और दूसरा जो है वैसे भी सर्दियों में दिक्कत नहीं होती है गर्मी की तो मोस्टली सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को आना तो सब सब ज़्यादातर ना सर्दियों में ही आते हैं तो सर्दियों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं भी चारपाई बिछा लो कहीं भी जो है लेट जाओ सो जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है और सबसे बड़ी बात होती है ना कि अपना ना दिल बड़ा होना चाहिए कोई इंसान आ रहा है आप उसकी किस तरह से सेवा कर रहे हो किस तरह से आपको जो है खुशी हो रही है किसी के आने से जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हाय ये हमारे घर में क्यों आ गए तो जब ये चीज़ जो सामने वाला है उसको महसूस होती है ना कि हमारे आने से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है सब लोग बहुत खुश हैं तो घर बेशक छोटा हो कोई दिक्कत नहीं होती है सब एडजस्ट हो जाता है बस जो है दिल बड़ा होना चाहिए तो वही ना मेरा हिसाब है मेरा घर बेशक छोटा है बस बट मेरा जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है कोई भी आ जाए कितने ही आ जाए मुझे कोई परेशानी नहीं होती है सब हम लोग जो है एडजस्ट कर लेते हैं सामने वाला बंदा जो भी आता है वो भी खुशी खुशी से एडजस्ट हो जाता है जैसी भी सिचुएशन होती है उसमें और हम लोग भी बहुत अच्छे से जो है एडजस्ट हो जाते हैं अभी तो फिर भी नहीं आपने देखा होगा एक बार जब हम जो है लाइन सफारी का मैंने जो व्लॉग शेयर किया था तब मेरे मायके से मेरे भैया भाभी भतीजा भतीजी भाभी की बहन भाभी के दो बच्चे इतने सारे लोग आए थे और सब लोग जो है इसी रूम में एडजस्ट हो गए थे बस यही था कि उस टाइम विंटर भी थी और दूसरा वही है कि दिल बड़ा होना चाहिए घर बेशक छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वही सारी चीज़ें कोई भी आ जाता है कितना भी कितने भी आ जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती हम सब खुशी खुशी जो है इतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं तो वही वाली चीज़ है मेन चीज़ यही है कि हाँ दिल बड़ा होना चाहिए तो बस आशा करूँगी जो भी कमेंट करते थे उनको जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से जो है व्यवस्था होती है आप देख ही रहे हैं किचन में कितनी जगह है सर्दियां होती हैं ना तो आराम से एक फोल्डिंग एक खाट यहाँ पर बिछ जाती है और एक दो रूम में भी बिछ जाती हैं तो ऐसे ही बस एडजस्ट हो जाता है आराम से अब ऐसा नहीं है कि घर हमारा छोटा है तो हम सबको मना कर दें कि नहीं हमारे यहाँ कोई मत आओ और कोई जो है जो आने वाला होता है वो भी देख लेता है कि हाँ हमारे जाने से वो लोग मुँह बनाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है तो लोग खुद ही आना बंद कर देते हैं बट मेरा ऐसा हाल नहीं है मेरा मेरे हस्बैंड का कोई भी आता है हम लोगों को बहुत खुशी होती है हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये चीज़ सामने वाला इंसान भी समझ जाता है तो वो भी बहुत ही आराम से आ जाता है आप सभी देखते हैं मेरे घर कोई ना कोई कोई ना कोई आता जाता ही है ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है तो वही वाली चीज़ है बस वही मुझे आपको बतानी थी क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि आपकी ननद आई हैं तो वो कहाँ सोती हैं आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि सब कैसे एडजस्ट होता है सब कहाँ सोते हैं जो भी मेरे घर आता है तो बस देखिए यहाँ बातों बातों में मेरे सारे काम हो गए पता ही नहीं चला और नहा धोकर मैं हो गई फ्री और बस यहाँ पर मैंने रायता बना लिया था सब्जी तो मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी तो बस दीदी को मैंने खाना दे दिया और बस खाना जो है खाने के बाद दीदी ने जो है गुड़िया को नहला दिया था पहले ही जो है मालिश कर दी थी नहलाने से आधा घंटा पहले और बस नहला कर ले आई थी तो यहाँ पर खेल रही थी तो मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो शूट कर लिया बहुत ही प्यारे लगते हैं सच में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना और अभी और बाबू तो बहुत खुश थे जब दीदी आई थी तो बस यहाँ पर सभी का खाना पीना वगैरह हो गया और जो कपड़े थे वो भी सूख गए क्योंकि बहुत जल्दी जो है कपड़े सूख जाते हैं एक तो मशीन में निकाल देते हैं दूसरा धूप काफ़ी अच्छी होने लगी है साथ में हवा भी चलती है तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और बस यहाँ पर जो है अभी भी स्कूल गया था तो उसको भी जो है आ, मैं लेकर आ गई थी उसके बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह जो थे सारे वो मैंने आ, ले आई थी अंदर और बस इनको फोल्ड करके रख दूंगी दीदी गुड़िया को ले जो है नीचे ही बैठ गई थी मैंने बोला ऊपर बैठ जाओ तो उनको थोड़ा ये होता है कभी कभी तो आ जाती हैं व्लॉग में कभी कभी उनका मन नहीं होता है तो वो नहीं आती हैं तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ जब उनका खुद का मन होता है तो वो आ जाती हैं तो मैं शूट कर लेती हूँ अगर उनका मन नहीं होता है तो मैं नहीं करती हूँ और वैसे भी गुड़िया को दीदी ज़्यादातर नीचे ही लिटाती हैं क्योंकि होता है ना इस टाइम बच्चा थोड़ा उठना लुढ़कना और घुटनों निकालना सीखता है तो बेड पे वो चीज़ें इतनी इजी तरीके से बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि गद्दे होते हैं ना तो उसमें बच्चा जो है थोड़ा फंस सा जाता है नीचे फ़र्श पर ये चीज़ें अच्छे से बच्चा करता है तो इसलिए दीदी जो है ज़्यादातर गुड़िया को नीचे ही रखती हैं कि वो थोड़ा सा जो है ये चीज़ें करती रहे खेलती रहे इस वजह से तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे उसके बाद दिन में सभी लोगों ने थोड़ा बहुत आराम किया और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग टाइम में यहाँ पर जो है अब मैं सैलेड कट कर रही हूँ और आ, मैंने डिनर में बनाया है दाल चावल थोड़ी सब्जी सुबह की रखी हुई है और साथ में दाल चावल बनाया है असल में दीदी को ना मोमो रोल्स वगैरह जो है स्प्रिंग रोल होते हैं ना काफ़ी पसंद है तो वही मैंने हस्बैंड को बोला था लाने को तो इस वजह से फिर रोटी वगैरह नहीं बनाई दीदी ने बोला था कि हाँ दाल चावल ही बना लो भाभी तो बस चावल बन गए थे दाल भी रेडी हो गई थी बस उसमें तड़का लगाना था तो तड़का भी मैंने लगा दिया है सैलेड मैंने कट करके रख दिया है और हस्बैंड गए हुए हैं थोड़ा और उन्हें अपना काम था तो वहीं जा रहे थे तो बस वो सामान भी जो है मैंने बोल दिया था तो वो जो है देखिए आ, आ गए थे हस्बैंड और जो फिंगर होते हैं और साथ में जो रोल होते हैं वो ले आए थे और हस्बैंड का ये है ना उनसे कोई चीज़ मंगाओ ना तो आ, मैं तो उस हिसाब से मंगाती हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट जो है चेंज हो जाए बट फिर वो इतना ले आते हैं ना कि बस कुछ पूछिए ही मत आप सभी को पता है उनका हर बार का ही ऐसा है तो मैंने दीदी के लिए मंगाए थे और थोड़ा बहुत जो है बच्चे खा लेते क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा इस टाइम छोड़े हुए हूँ बट हस्बैंड इतना सारा ले आए थे ना देखिए तो बस ये है आज का हमारा जो डिनर है वो तो ये देखिए सब्जी थोड़ी सी दाल है चावल हैं सैलड है और ये स्प्रिंग रोल एंड फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में चटनी तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को कर देती हूँ एंड आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो अच्छा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाय